तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू एल बी एस एस सेंटर। आज के स्टूडियो में बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स रैली के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 2020 के लिए इंडियन एयरफोर्स रैली निकल चुका है और वो भी आज से ही 27 से ही फॉर्म का अप्लाई होना शुरू हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसके रिगार्डिंग आज बात करने वाला। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, कोई भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना। ओपन करते ही आपको आ जाना सरकारी exam.com पे, और जैसे ही सरकारी एग्जाम डॉट कॉम पर आइएगा दोस्तों, तो सबसे पहले आपको मिलेगा यहाँ पे ऊपर ही मिलेगा एयरफोर्स रैली ऑनलाइन फॉर्म 2020। जैसे ही ओके कीजिएगा दोस्तों, तो इस तरह के इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा और यहाँ टोटल आपको यहाँ से मिल जाएगा टोटल जानकारी। चलिए दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप मैं जानकारी दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं फ़ी के बारे में जानकारी दे रहा हूँ कि कोई भी फ़ी नहीं लगने वाला है, चाहे कोई भी कैटेगरी के कैंडिडेट हो, या जनरल हो, ओबीसी हो, या एससी एसटी हो, कोई भी कैटेगरी का यहाँ फी लगने वाला नहीं है दोस्तों। सबसे पहले स्टार्टिंग डेट देखिए 27 सितंबर से है और लास्ट डेट 28 है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए एग्ज़ाम के लिए यहाँ 9 से 20 अक्टूबर यहाँ से लिखा हुआ है, और एग्ज़ाम डेट बिहार के लिए, हरियाणा के लिए 9 से 20 अक्टूबर दोनों सेम है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ राजस्थान 9 से 19 तक। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो समझ में आ चुका है। और नेक्स्ट देखते हैं ये लोकेशन, जो बिहार, हरियाणा और राजस्थान के लिए ही निकला हुआ है। और सबसे बेटर यहाँ आपको देखना है कि एज का इसमें लिमिट है। ठीक है दोस्तों, फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार आपको मिला लेना है कि आपका एज जो होना चाहिए 17 जनवरी 2000 से लेकर, ठीक है, यानी कि 17 जनवरी 2000 से लेकर 30 दिसंबर 2003 के बीच होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, अब उसके बाद दोस्तों और भी मैं यहाँ पे डिटेल आपको बता दूँ। सबसे पहले पोस्ट का नाम ग्रुप एक्स, ठीक है, ग्रुप एक्स होता है एयरफोर्स के लिए, वहीं इसका पोस्ट के नाम है। ठीक, यहाँ से कुछ फिजिकल टेस्ट के बारे में बता देता हूँ। 1.6 यानी कि 1600 मीटर आपको यहाँ से, यानी कि आपको दौड़ जाना है 6.5 मिनट में। ठीक है दोस्तों, कितना में आपको 6.5 मिनट में दौड़ जाना है देते हैं। यहाँ से आपको जो देख लेना है दोस्तों, आपको जो सिलेक्शन बेस्ड होगा, सबसे पहले यहाँ से होगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट, उसके बाद आपको जो फिजिकल में निकलेगा रिटेन हो जाएगा, उसके बाद आपको एक दो और टेस्ट होगा, उसके बाद आपको मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, तभी आपको निकाला जाएगा। ठीक, चलिए अब कुछ देख लेते हैं यहाँ से इंफॉर्मेशन। जब से यहाँ पे क्लिक कीजिएगा दोस्तों, एक पीडीएफ आपके सामने खुल के आएगा और पीडीएफ में आप टोटल जानकारी यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया, और नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ रहा हूँ कि कैसे अप्लाई किया जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।